भंडारा जिले के तुमसर शहर के बस स्टॉप परिसर में हर साल की तरह इस साल भी माँ दुर्गा देवी की स्थापना की गई, जहाँ भक्तगण बड़ी संख्या में माता जी का आशीर्वाद लेने पहुँचे। तो हर साल की तरह इस साल भी 9 दिनों तक गरबा का आयोजन किया गया, जिससे गरबा देखने की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 2007 से, बस कोविड में नहीं कर पाए, 2 साल हम लोगों ने ब्रेक लिया। तब से लेकर अब तक के 2023 तक के हम लोगों ने कंटिन्यू डांडिया का प्रोग्राम दिया है, गरबा का, जहां पर हम लोग डांस परफॉर्मेंस देते हैं। और हमारे तुमसर की पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, बच्चे लोग 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू मेहनत करते हैं, हमारे सारे सीनियर बॉयज़ जूनियर बॉयज़ सभी लोग मिलके काफ़ी मेहनत करते हैं। और तुमसर में ये तो हमारा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन पब्लिक की नज़र में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है, और आप लोग भी देख ही रहे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है। तुमसर में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, बट लेकिन यहाँ पर कुछ हम अलग करने की कोशिश करते हैं हर साल। अभी हमारे पास में स्टूडेंट करीबन 150 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर 50,000 के करीबन पब्लिक आना जाना सब लोगों का हो जाता है, और जितनी बड़ी स्पेस है हम लोग को ऐसा लगता है कि इससे बड़ी और जगह हमें मिले तो हम इससे बड़ा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तुमसर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इतने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम होता है। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने छोटी मोटी जो भी बड़ी मदद की है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने हमारा एक इंटरव्यू लिया, ताकि ये बात बाकी लोगों तक भी जाए और तुम सर का नाम गौरव करें हम कुछ बड़ा करें। गरबा के माध्यम से है कि अगर हम रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन से अगर कोई काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हम लोग यहाँ पर सारे बच्चे रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ में रखते हैं 2007 से लेकर अब तक के, बाकी पेरेंट्स लोगों को भी हम पर काफ़ी भरोसा है, और यही भरोसा हम कायम रखना चाहते हैं कि नवरात्र का प्रोग्राम अच्छा हो, कोई गड़बड़ ना हो और सारा प्रोग्राम अच्छा चले। एनबीसी न्यूज़ के लिए तुमसर से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।